नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसी समस्या की जिससे आप प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उससे रोज इफेक्टेड होते हैं। हम लोग बात करेंगे गुस्से की, एंगर की। आज का दौर है, इंसान की सहनशीलता ख़त्म हो चुकी है और सहनशीलता ख़त्म होने के साथ उसमें वो बर्दाश्त करने की किसी की बात क्षमता नहीं बची और बहुत ही जल्दी आपने देखा होगा व्यक्ति नाराज़ हो जाता है या हम लोग खुद नाराज़ हो जाते हैं। और जो हम लोग जहाँ तक नाराज़ होते हैं वह तो ठीक है, ज़्यादातर हम में से लोग नाराज़ होते हैं और नाराज़ होकर फिर अपने जो रूटीन की दिनचर्या होती है उस पर लग जाते हैं। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नाराज़ होती है तो वो क्या करती है? तमाम खबरें ऐसी आती रहती हैं, हम लोग वीडियोस में देखते हैं, खबरों में सुनते हैं, न्यूज़ पे सुनते हैं कि बच्चों को गुस्सा आया तो उन्होंने क्या कर दिया या परिवार में किसी को गुस्सा आया उसने क्या कर दिया। एक मिनट के अंदर हंसता खेलता परिवार ख़त्म हो जाता है और तितर बितर हो जाता है। हम आपको साथियों बताएंगे गुस्से को ख़त्म करने की या गुस्से पे काबू करने के लिए मदद करने वाली 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में जो विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एंगर होता क्या है। एंगर यानी गुस्सा साथियों बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये नॉर्मल कंडीशन है, गुस्सा अब नॉर्मल नहीं है। लेकिन जब यही गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो यह एक विस्फोटक या चिंताजनक स्थिति बनती है। इसके कारण साथियों तमाम कारण होते हैं गुस्सा आने के, वो हार्मोनल भी हो सकते हैं, वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, वो एनवायरमेंटल यानी आपके आसपास की परिस्थितियों के हिसाब से आपको गुस्सा आए वह भी हो सकता है। सिम्टम्स की साथियों बात कर ले, सिम्टम्स गुस्से का सबसे बड़ा सिम्टम तो यही है कि आपको गुस्सा आया तो आप स्वयं परेशान हो गए और औरों को परेशान कर दिया। फिर चाहे आपने सामान तोड़ दिया, चाहे आपने सामान फेंक दिया, चाहे आपने किसी को हर्ट कर दिया, उसको मार दिया, चाहे आपने अपने ही को ही नुकसान पहुंचा लिया, इस तरह तमाम सिम्टम्स होते हैं जो आपको गुस्से के कारण आ सकते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान भी है। हम आपको बताएंगे गुस्से को कंट्रोल करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो कि विभिन्न स्थितियों के हिसाब से आपके आपको मदद करेंगी। लेकिन दवाएं बताने से पहले साथियों यह बता दें कि मेंटल कंडीशंस अनेकों अनेक होती हैं और आपको कौन सी कंडीशन है इसको पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए कोई भी दवा ले एक बार डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर ले, चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा कर ही कोई भी होम्योपैथिक दवा ले। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको गुस्से पे काबू करने की, गुस्से को कंट्रोल करने की और गुस्से को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। वो दवाएँ जो आपके जीवन में खुशियाँ ला देंगी, आपके जीवन को कष्टों से निकाल देंगे, क्योंकि गुस्से में आप क्या करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। दुनिया हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, आप गुस्सा करते रहते हैं तो वो कोई भी बात जिससे आपके परिवार को नुकसान पहुंचे उससे आपको बचना चाहिए। जो कोई भी यह वीडियो देख रहा है मेरी आपसे विनती है कि ऐसा कोई भी काम ना करें, यानी ऐसा गुस्सा इस प्रकार का ना करें जिससे कि आपका परिवार या बच्चे अफेक्टेड हों। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको होम्योपैथी में एंगर को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों एंगर यानी गुस्से को कंट्रोल करने की, ख़त्म करने की, ठीक करने की सबसे कारगर होम्योपैथी में जो दवा आती है वह है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका वह दवा है कि आपको अगर किसी भी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, ये आपके मन को सेट करना पड़ेगा, छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, इरिटेबल जिसे कहते हैं स्थिति होती है,
तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा नक्सफोमिका है। नक्सफोमिका के मरीज की खास बात होती है कि ये बहुत छोटी छोटी सी बातों पर उलझते हैं, लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें कि कहीं पर रास्ते में अपने घर पर चल रहे हैं और बीच में स्टूल आ गया, तो साहब ये स्टूल क्यों आ गया, इसी बात पे गुस्सा है। तो इतना गुस्सा आप ना कीजिए, नक्सफोमिका आप दवा लीजिए, अपने गुस्से को दूर भगाइए और अपने को नुकसान पहुंचाने से रोकिए। नक्सफोमिका का मरीज बहुत सेंसिटिव होता है, नॉर्मली उसको ज़्यादा आवाज़ें, शोर, लाइट, यह सब पसंद नहीं होता है और उमन नक्सफोमिका के मरीज का पेट भी खराब रहता है। तो अगर आपको बहुत छोटी बातों पे गुस्सा आता है तो आप समझ लें आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस नक्सफोमिका है। आप नक्सफोमिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार लेके निश्चित रूप से अपने गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं। फिर साथियों, एक गुस्से की इंतहा वाली कंडीशन आती है जब आप अब्यूसिव हो जाते हैं, गलत बातें, गंदी बातें बोलने लगते हैं, जिसको कि बहुत शोभनीय शब्द नहीं है, जिसको कि आप अपनी भाषा में कहते हैं। तो अगर कोई अब्यूसिव हो रहा है, गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है दूसरे से बातचीत करते वक्त, इतना गुस्सा है कि ना उसे अपनी बातों पे कंट्रोल है, ना उसे अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल है और ना उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल है, तो इन तीनों चीज़ों को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा साथियों है काली आयोडेटम। काली आयोड 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड हो, कोई भी सांत्वना उसकी मदद ना करती हो और वह बात करते करते अब्यूसिव हो जाता हो, गाली गलौज करने लगता हो, तो यह दवा काली आयोड आपके रेस्क्यू के लिए आएगी और आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। फिर साथियों, एक स्थिति आती है गुस्से में कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और मन करता है कुछ कर डालें। अगर आपका मन इतना ज़्यादा इम्पल्सिव है तो उस स्थिति में, आपके परिवार में किसी को इस तरह की दिक्कत है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्क सॉल्युबिलिस। आप मर्क सॉल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब आपका गुस्सा इतना ज़्यादा हो कि वो आपको प्रॉम्प्ट करता हो, आपको प्रेरित करता हो कि आप कुछ अनर्गल या गलत करें, मर्क सॉल आपके दिमाग को शांत करेगा, आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा, क्योंकि जिसमें गुस्सा है वो बेहतर इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि गुस्सा तो नॉर्मल सिम्टम है लेकिन गुस्सा जो अनकंट्रोलेबल है वो नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल है, क्योंकि उससे आप सामने वाले को डिस्टर्ब करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो मर्क सॉल उस तरह के इम्पल्स को, जो कुछ भी कर देने वाली इम्पल्स है, उसको ख़त्म करके आपके जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाती है। एक स्थिति आती है साथियों गुस्से की कि गुस्सा उन लोगों को बहुत आता है जिनको कभी जो है, जिनके जीवन को पहले दबाया गया है, उसको सप्रेस करा गया है कि वो गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था, उसे चीज़ बुरी भी लग रही थी और अब अचानक उसके उस गुस्से का आउटबर्स्ट हो जाता है, गुस्सा उसका सामने आ जाता है। तो इस तरह का जो एंगर है साथियों, इसकी होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा स्टेफिस सैग्रिया है। आप स्टेफिस सैग्रिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको दबा हुआ गुस्सा, दबी हुई कशिश, दबी हुई भावनाएं गुस्से के रूप में आपके अचानक सामने आ जाती हों। तो स्टेफिस सैग्रिया ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसको आप 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार लेके अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर सकते हैं, गुस्से को ख़त्म भी कर सकते हैं और इस प्रकार आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आसपास समाज को भी बेहतर कर सकते हैं। फिर साथियों, गुस्से की स्थिति आती है कि आपको इतना गुस्सा आया या किसी को इतना गुस्सा आया कि वो सामने वाले को मार देना चाहता है, जान से मार देना चाहता है। अगर इस तरह की स्थिति हो कि इतना गुस्सा आता हो कि आप सामने वाले को मार ही डालोगे, तो उस स्थिति से निकलने की, भयावह स्थिति से निकलने की होम्योपैथी में दवा आयोडम है। आप आयोडम 1 की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा लेके आप देखेंगे कि आपका जो इस तरह का गुस्सा है यह पूरी तरह ख़त्म हो गया। आयोडम के मरीज में 1-2-3 और ख़ास बातें होती हैं। पहली बात यह कि वह दुबला पतला होता है, उसको गर्मी बहुत लगती है और ऐसा मरीज़ अकेले में तो मस्त रहता है लेकिन अगर कोई सामने है तो उसको मार डालेगा,
तो इस तरह की टेंडेंसी अगर हो तो उसका ठीक करने की ड्रग ऑफ द चॉइस आयोडम है। फिर साथियों एक स्थिति आती है, हम में से किसी में भी आ सकती है, कि हमारी बात सुनी ना जाए या मानी ना जाए तो हमें बहुत गुस्सा आ जाए। एक जब एहसास हो कि 5 लोगों के बीच में बैठे हैं और हमने अपने विचार या अपनी सलाह को रखा, उसको बाकी जो है 3 लोग 4 लोग 2 लोग रिजेक्ट कर दे और हम कन्विंस हों कि हमने जो रखा वो बहुत अच्छा रखा, तो अगर आपकी सलाह ना मानी जाए उसके बाद आप इरिटेट हो जाए और बहुत गुस्सा करने लगें, तो उस तरह के व्यवहार को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है ऑरम मिटैलिकम। ऑरम मिटैलिकम 32 मून दिन में 3 बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसको अपनी बात ना मनवा पाने पर बहुत गुस्सा आता हो, उसमें डिप्रेशन का वो शिकार हो, उसको डिप्रेशन महसूस होता हो और कमजोरी महसूस होती हो। ऑरम मेट 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार लेने से आप ये तीनों समस्याएं खत्म होंगी और आपका गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा और आप में क्षमता आ जाएगी कि 5 लोगों में अगर आपने सलाह दी तो ज़रूरी नहीं वो मानी जाए, लेकिन आपने अपनी बात रख दी उतना बहुत है। तो यह स्थिति के हेल्प करने की आपकी दवा और ऑरम मिटैलिकम है। आप इस दवा को लेके अपने इस प्रकार के स्वभाव या गुस्से को शांत कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है किसी को प्रेगनेंसी और उसको गुस्सा बहुत आ रहा हो, तो अगर यह स्थिति आप में हो कि आपके प्रेगनेंसी हो, आप प्रेग्नेंट हो और आपको गुस्सा बहुत आता हो, तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है नक्स मोस्काटा। आप नक्स मॉस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको गुस्सा बहुत आ रहा है। यह दवा आपको लाभ देगी और इनडायरेक्टली आपके बच्चे को भी लाभ देगी, क्योंकि गुस्से से सबका नुकसान है, उस बच्चे का भी जो आपके आपके पल बढ़ रहा है फीटस में, और परिवार का भी जो यह आस लगाए बैठा है कि बहुत जल्दी ही उसके अच्छी खबर उसको मिलेगी। एक स्थिति आती है साथियों गुस्से की, वो कंडीशन कि जिसमें हम तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, सामान तोड़ना शुरू कर देते हैं। गुस्सा आया, हाथ में जो घर का सामान था वो उठा के फेंक दिया। देखा होगा हम सब में से लोगों ने लगभग किसी न किसी को ऐसा करते हुए, तो इस स्थिति से निपटने की अगर वास्तव में आप अपनी ये परेशानी को ख़त्म करना चाहते, अगर आप इसको समस्या समझते, क्योंकि आप अपना कप है मान लीजिए, कप को आप दीवार पे मार रहे हैं, अपने ही खून पसीने के पैसे का या अपने परिवार के खून पसीने के पैसे का आप नुकसान कर रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थिति आपकी गुस्से की हो तो उसकी दवा टेरेंटुला हिस्पानिया है। आप टेरेंटुला 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर आपको इतना गुस्सा आता हो कि आप सामान तोड़ देते हो, आप इम्पेशेंट यानी बेचैन रहते हो, आप में धैर्य ना हो, अगर ये फैक्टर आप में है तो टेरेंटुला आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है आपके एंगर को कंट्रोल करने में और एंगर को ख़त्म करने के लिए और अपने परिवार को और समाज को आसपास के बेहतर बनाने के लिए। फिर एक स्थिति साथियों हम में से किसी के साथ, आपके साथ, हमारे साथ आ सकती है कि हमें यह एहसास हो कि हमारी बात को मिसअंडरस्टूड कर दिया गया है और हमें बहुत गुस्सा आ जाए। तो अगर ये स्थिति हो कि हमें यह एहसास होता हो कि हमारी बात को ठीक से समझा नहीं गया और हमें उस पर बहुत गुस्सा आ जाता हो, तो ऐसे गुस्से को भी ख़त्म करने की होम्योपैथी में दवा है और वह दवा का नाम है बूफो। आप बूफो 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिसको कि गुस्सा बहुत आता हो कि उसकी बात को ठीक से समझा नहीं गया। यह दवा उसके गुस्से को शांत करेगी और शायद वो फिर अपनी बात को बेहतर तरह से समझा सकेगा, ताकि उसकी बात का जो दूसरे व्यक्ति अब तक गलत अर्थ लगाते रहे हैं वह सही अर्थ लगाने लगे। एक स्थिति आती है साथियों गुस्सा बच्चों में। बच्चे आजकल देखा गया है कि बच्चों में भी क्षमता, हम लोग थे, परिवार था, एक बार जो है वो बड़े ने कह दिया ये इस रास्ते नहीं जाना है, ये काम नहीं करना, ये सामान नहीं लेना है, ख़त्म बात, कोई बात नहीं, उन्होंने जो कहा होगा वो ठीक कहा होगा हमारे लिए।
लेकिन आज की स्थिति यह है कि बच्चा सड़क पर लौट जाता है। अगर बच्चे की बात ना मानो, बच्चे बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो। तो अगर उस स्थिति में उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको बिल्कुल बच्चों में गुस्सा यानी सुनने की उनमें क्षमता नहीं बची है आपकी बात, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कैमोमिला है। कैमोमिला 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप बच्चे को दे सकते हैं, जब बच्चा चिड़चिड़ा हो और उसे गुस्सा बहुत आता हो। यह दवा आपके बच्चे के गुस्से को भी शांत करेगी और उसके चिड़चिड़ेपन को भी दूर करेगी। एक दवा साथियों उन लोगों के लिए है जो कभी मुस्कुराते ही नहीं है, हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति आप किसी में देखते हैं जो कभी आपको मुस्कुराता ना दिखा हो, हमेशा गुस्से में ही दिखा हो, एंगर में ही दिखा हो, तो उसको मुस्कुराहट उसके चेहरे पे हमेशा के लिए लाने की बहुत कारगर दवा है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम की बड़ी खास बात है साथियों, यह जीवन में एक या दो बार से ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा होम्योपैथी ग्रंथों में कहा गया है, यानी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब ने ऐसा कहा है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखा हो जो मुस्कुराया ही ना हो, जिसको आपने हमेशा गुस्से में ही देखा हो, उसको आप ट्यूबरकुलिनम की एक खुराक खिला दीजिए, वो मुस्कुराने भी लगेगा और उसका जीवन बेहतर होगा और उसको देखकर आप भी मुस्कुराएंगे और समाज में एक खुशी की ऊर्जा चारों तरफ घूमेगी। यह दवा शायद उस व्यक्ति के परिवार को भी मदद कर देगी, क्योंकि जब वो मुस्कुराता हुआ अपने घर पहुँचेगा तो परिवार को भी मन को शांति मिलेगी, मन को ठंडक पहुँचेगी। तो ट्यूबरकुलिनम एक बार देकर आप जो कभी ना मुस्कुराया हो व्यक्ति, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों गुस्से की कि किसी को इतना गुस्सा आता है कि कोई उसको छुए भी नहीं और देखे भी ना। अगर किसी व्यक्ति को कोई देख लेता है या छू लेता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है। अगर यह स्थिति हो साथियों कि मरीज अपने को देखना या छुआना भी नहीं चाह रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एंटीमक्रूड। एंटीमक्रूड 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं या दे सकते हैं किसी ऐसे मरीज को जिसको अपने को देखने से भी एलर्जी हो, कि कोई उसको देखे या छुए भी, तो एंटीमक्रूड उसके स्वभाव को भी ख़त्म करेगी और उसके गुस्से को भी शांत करेगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि डर बहुत लगा और गुस्सा आने लगा। थोड़ी अजीब सी स्थिति है लेकिन आप इसको सोचिएगा, आपको डर बहुत लगा और फिर आपको गुस्सा आने लगा, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आर्निका है। नॉर्मली आर्निका हम लोग चोट में लगने को जानते हैं कि चोट किसी के लग जाए तो आर्निका बच्चों को हम लोग दे देते हैं, या बालों के लिए आर्निका को हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छी दवा मानते हैं। लेकिन आर्निका इस स्थिति की भी बहुत अच्छी दवा है कि आपको अगर डर लगता है और डर लगने से आपको गुस्सा आता है, तो अगर एंगर विथ फ्राइट है तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस आर्निका है। एक स्थिति आ सकती है किसी में साथियों कि थोड़ा सा शोर हुआ, लाइट बहुत तेज़ आँखों में लगी तो गुस्सा बहुत आ गया। तो अगर आपको शोर और लाइट, साउंड और लाइट से आपको गुस्सा आता है, अगर उसके एहसास से गुस्सा आता है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा आर्सेनिक एल्बम है। आप आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको शोर से और लाइट से एहसास से गुस्सा आ जाता हो, आप में एंजाइटी बहुत हो, बेचैनी बहुत हो, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो और आपकी तकलीफें रात के 12 बजे बढ़ती हों। आर्सेनिक का पेशेंट नॉर्मली बड़ा फास्टिडियस है, यानी बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो कैलेंडर या घड़ी को भी दीवार पर टेढ़ा नहीं देख सकता, वो उसको सीधा करेगा ज़रूर। तो अगर यह सब सिम्टम आप में है और आपको गुस्सा आता है तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस आर्सेनिक है, यह दवा आपको पूरी तरह ठीक कर देगी। एक स्थिति साथियों आती है गुस्से की कि इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि कांपने लगे गुस्से के मारे। तो अगर यह स्थिति किसी में हो कि आपको इतना गुस्सा आता हो किसी को कि वो कांपने लगता हो, ट्रेम्बलिंग करने लगता हो गुस्से में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एरम ट्राइफिलम है। आप एरम ट्राइफिलम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको इतना गुस्सा आता हो कि उसका शरीर कांपने लगता हो, शिवरिंग होने लगती हो, ट्रेम्बलिंग होने लगती हो। यह दवा उसकी उस ट्रेम्बलिंग को भी ख़त्म करेगी और उसके इस तरह के गुस्से को भी ख़त्म करके उसके जीवन को बेहतर बनाएगी।
एक स्थिति आती है साथियों कि कभी कभी आपको गुस्सा आता है इंटरकोर्स के बाद। आपने इंटरकोर्स करा अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और उसको करने के बाद आपको गुस्सा आने लगा। तो अगर इस तरह की पिकुलर कंडीशन हो तो उसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है, और दवा का नाम है कैल्केरिया कार्बोनिकम। कैल्केरिया का आप 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा लेने से जो आपका यह क्वेश्चन के बाद, इंटरकोर्स के बाद आने वाला गुस्सा है वह ख़त्म हो जाएगा, और आप उस सुखद अनुभूति को, सुखद एहसास को पूरी तरह जी पाएंगे, पूरी तरह उसको लिव पाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति आ सकती है, बच्चों में आती है कि वो कुछ बच्चे होते हैं जिनमें इतना गुस्सा होता है कि वो सबसे लड़ते ही रहते हैं, चाहे अपने क्लास के बच्चों से लड़ते रहें, चाहे अपनी टीचर से लड़ते रहें, चाहे अपने गार्जियन से या पेरेंट्स से। तो अगर उस तरह की स्थिति हो कि इतना गुस्सा आता हो कि बच्चा लड़ता ही जा रहा है, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस तरह बच्चों को दे सकते हैं जिनको लड़ने की और गुस्सा करने की बहुत आदत हो। वो अपने गार्जियंस, पेरेंट्स, अपने सहपाठी, अपनी टीचर्स, सबसे गुस्सा करते हो। फॉस्फोरस के मरीज को आमतौर पर ठंडी चीज़ें खाना पसंद होता है और शाम को उसकी तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। ऐसे बच्चों के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस फॉस्फोरस है। यह दवा उनके गुस्से को शांत करके उनको बिल्कुल अपने प्रॉपर बचपने में लाके आपकी भी मदद करेगी और बच्चे की भी। इस दवा को आप अवश्य एक बार देकर ऐसे गुस्से वाले बच्चों में देख सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, किसी के साथ हो सकती है कि बहुत ही भयंकर गुस्सा होता हो। ऐसा मरीज गुस्सा करता हो और बात बात में जो है उसी गुस्से के, जो गुस्से में वो बयान देता है, गुस्से में जो बोलता है, उसमें बड़ी बड़ी कस्में खा लेता हो। अगर यह स्थिति साथियों है तो उस गुस्से को ख़त्म करने की, जिसमें कि उसको एक कस्में खाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, वह ख़त्म करने की क्षमता है, और दवा का नाम है सीरियस सरपेंटिना। सीरियस सरपेंटिना 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं। जब आपको या किसी को आप देखते हो ऐसा गुस्सा आता हो जो बहुत ही भयंकर हो और बात बात में वो कस्में खाता हो, साहब ऐसी कसम कि ऐसा नहीं है लेकिन आपने फिर भी ऐसा क्यों कह दिया, उस तरह का जो एक लहजा होता है, एक बातचीत का तरीका होता है, उसको ख़त्म करने की होम्योपैथी में दवा सीरियस सरपेंटिना है। एक स्थिति आती है साथियों गुस्से की, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि आपके पेट में दर्द होने लगा, गुस्सा बहुत करा, गुस्से का पेट में दर्द होने लगा। तो अगर यह स्थिति हो कि आप गुस्सा बहुत करें हो और फिर आपके पेट में दर्द होने लगा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कोलोसिंथ है। कोलोसिंथ 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इस दवा से आपका पेट का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और आपका गुस्सा भी ख़त्म होकर आप अपने को बेहतर मिजाज में पाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि गुस्सा आया और गुस्सा इतना आया कि सर में बहुत तेज दर्द होने लगा, गुस्सा कर लिया, गुस्से बाद बहुत तेज सर में दर्द होने लगा। तो अगर यह स्थिति आपको होती है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से के बाद आपके भयंकर सर में दर्द होने लगता है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है इग्निशिया अमारा। आप इग्निशिया अमारा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। उस स्थिति में जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता हो और गुस्से के बाद आपके सर में दर्द शुरू हो जाता हो, यह दवा यानी इग्निशिया अमारा आपके गुस्से को भी ख़त्म करेगी और आपके सर के दर्द को भी ख़त्म करके आपके जीवन और समाज के जीवन को खुशहाल बनाएगी। एक साथी में स्थिति रहती है जब गुस्सा उन लोगों में आता हो जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होता हो। आप में अगर अपने लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, उस कारण आप में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ गया है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा लाइकोपोडियम क्लेवेटम है। आप लाइकोपोडियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके गुस्से को भी ख़त्म कर देगी और यह दवा आपके जो पेट अगर ख़राब होगा, लाइकोपोडियम का बड़ा खास सिम्टम होता है पेट में गुड़गुड़ाहट होना, पेट के निचले हिस्से में गैस बनना, इस तरह की जो स्थिति होगी उसको भी ठीक कर देगी, आपके गुस्से को भी पूरी तरह ख़त्म कर देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी
गुस्से को कम और ख़त्म और कंट्रोल करने के विषय में। गुस्सा साथियों वो चीज़ होता है, जैसा हमने वीडियो के शुरू में बताया, जो परिवारों को ख़त्म कर देता है, घरों को बर्बाद कर देता है। और आज के दौर में, महंगाई के दौर में, अगर आप एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज लेके चलेंगे तो आप कितनी दूर तक जाएंगे। आदमी वही है जो सबको साथ लेके चले। कोई आदमी थोड़ा विपरीत दिशा में जा रहा है तो भी अपने गुस्से पे काबू करके उसको भी अपने साथ जोड़े। तो हम सबको ऐसा ही बनना है। कमियां सब में होती हैं। हम लोग चर्चा करते हैं कभी कभी, जब बहुत गुस्से में होते हैं तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं। तो कमियां सब में होती हैं। जब भगवान का यहाँ पे अवतार हुआ, लोगों ने उसमें भी कमी निकाली, लेकिन हमें कमियों को धीरे धीरे एडजस्ट करके ख़त्म कराना है, ना कि गुस्से से। क्योंकि गुस्से से जो चीज़ एक तरफा होती है, जब सामने वाला आपके गुस्से को समझ ही नहीं रहा है तो उस गुस्से का फ़ायदा क्या है, आप सोचिए। आप खुद चिल्लाएंगे, खुद रोएंगे, खुद परेशान होंगे, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, अपनी पल्स बढ़ाएंगे, अपने ब्रेन को नुकसान पहुंचाएंगे, न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगे, बात वहीं की वहीं। और अगर होगा तो सिर्फ नुकसान। तो न गुस्सा करें, ना अपना नुकसान होने दें, क्योंकि यह जीवन बहुत कीमती है। आप जहाँ पर भी हैं उससे नीचे वालों को देख लीजिए, आपको कभी अपने लिए बुरा नहीं लगेगा। एक मैं बड़ी अच्छी कहावत पढ़ रहा था, ये बात कह के अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। एक मैं बात पढ़ रहा था जिसमें कि ये रशियन प्रॉवर्ब था, जिसमें कि मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ, जिसमें भी यह व्यक्त करी गई थी बात कि मैं अपने फटे जूते देखकर जब तक कोसता रहा, गुस्सा करता रहा, जब तक मैंने ऐसा आदमी जीवन में नहीं देखा जिसके पैर ही नहीं थे, यानी जो जूता ही नहीं पहन सकता था। तो फिर मुझे लगा मेरा फटा जूता और मेरा पैर ही बहुत अच्छा है, कम से कम भगवान ने हमको ये तो दिया है। तो यह गुस्से के पहलू होते हैं, आप गुस्सा ना करके उससे बचाव का रास्ता निकाल के आगे बढ़ने का प्रयास करें, आपका जीवन ज़्यादा सफल होगा। दवाएं साथियों जो आपको बताई हैं, यह कारगर दवाएं हैं, लेकिन कुशल चिकित्सक से पूछ के ही दवा लीजिएगा, अपने मन से दवाएं ना लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो साथियों, तो नीचे फ़ोन नंबर दे रखा गया है नोटिफिकेशन पैनल में, आप उस पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। रेलिवेंट क्वेरीज़ का संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको यह प्रयास हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब आपने करा होगा, औरों को सब्सक्राइब करने को प्रेरित करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों अपने नए स्टूडियो में, आज ये स्टूडियो अपना नया है, नए स्टूडियो में साथ देने के लिए, मतलब ये क्लिनिक का सेटअप नया है तो क्लिनिक को ही हम लोग स्टूडियो मान लेते हैं, नए क्लिनिक के बैकग्राउंड में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।